حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین मौला अली मदर कैसे हैं रिच आ गए हैं यार हम सच्ची बात मतलब टू बी ऑनेस्ट कोई स्टूडियो छोड़ा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सब में काम किए तो सभी अच्छा करने वाले हैं लेकिन माहौल की जहाँ तक बात है ना ये मैं गाड़ी में भी अमन मोहन तुमसे कह रहा था एक बात कि जो यहाँ का एक एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट किसी का नहीं नो डाउट मतलब जब तक वो माहौल ना बने काम करने का मतलब है तब वो माहौल यहाँ पर बनता है लावा स्टूडियो में बनता है कोई शक नहीं नो डाउट नो डाउट बाकी चलो स्टार्ट करते हैं चलो यार ये अमन विदिन 3 आवर्स इसको वाइंड अप करना है बिकॉज है आगे प्रोग्राम पे भी पहुंचना है चलो फिर फ्लाइट भी डिले हो सकती है चलो कोई नहीं ये ठीक है ये माहौल अच्छा है उसमें कर लेंगे थोड़ा सा एक दफा स्केल ट्राई भी कर लेते हैं अगर हमें थोड़ा सा करना पड़ा तो कोगस करते हैं ना पहले उसके बाद हुसैन 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 सहजात जिंदा के अंधेरों से मुझको तू बचा ले जिंदा के अंधेरों से मुझको तू बचा ले मानो मुझे भैया मुझे भैया ओके जी डन हाय हुसैन हाय हुसैन अच्छा मन भाई आपसे मेरा सवाल यार ये है कि आप लोग लाइव भी जाके पढ़ रहे हैं हर प्रोग्राम और संगत में पढ़ रहे हैं माशाल्लाह और वहाँ की नौखानी में और यहाँ की नौखानी में क्या फर्क है स्टूडियो में और लाइव नौखानी के अंदर यार मीसम भाई सिलसिला ऐसे है कि मैदान की नौखानी एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है यानी आप जब मैदान में पढ़ना है फिर कोगस में आप उर्सा करवाना है मातमियों के साथ फिर इतने बड़े सिलसिले को संभालना है मजमे को संभालना है मातमियों को देखना है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और ये स्टूडियो का सिलसिला जो है ये एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है दोनों अपनी जगह पर मुश्किल काम है ठीक है इसमें हम बिल्कुल किसी चीज़ को भी ये नहीं कह सकते कि यार वो मुश्किल है ज़्यादा ये मुश्किल है लेकिन बात नहीं है पाक सैयदा का तर्स हो कोई चीज़ भी नहीं है पाक सैयदा का तर्स है कि बस वो ड्यूटी ले क्या तो आप दुआओं में एकदम याद रखा करें मौला आपको सलामत रखें ये मोहब्बत है ये सिलसिले बना हुआ है अली वो जो तुम्हारे वाले पार्ट था ना ऊपर वाले फोकस का जो ऊपर फाइनल करनी है जरा एक मतलब वो पार्ट कर लो या हुसैन बस ऐसे इसको रिकॉर्ड भी हमने ऐसे ही करना है बस ठीक है बस हम रिकॉर्ड कर लेते हैं बता दीजिएगा हां रिकॉर्ड कर लेते हैं जब रिकॉर्ड अभी मैं करूंगा आप बता दीजिएगा मस्जिद जो इसमें पब्लिश करना है या हुसैन या हुसैन आप जब वोकल कर रहे होते हैं तो मतलब माइक से आप किस तरह मतलब प्लेस प्लेसिंग कैसे होती है माइक से आपकी क्योंकि आप काफ़ी ऊपर पड़ रहे होते हैं काफ़ी हाई नोट्स में आपके वोकल्स होते हैं मीसा भाई इसमें तो मेनली यही है कि जब आपने हाई नोट्स देने हैं तो उसमें डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा होना चाहिए जो हमने सीखा आपका माइक से और जब आपने लो नोट्स देने हैं तो उसके लिए आपको पास आना है लेकिन बेसिकली कहा जाता है कि माइक जो है वो गले की एक्सरे मशीन होती है तो आप माइक पे जो कुछ मैदान में होता है उसका एक सीन डिफरेंट है लेकिन माइक पे आपके गले के एक्सरे सारा निकल के बाहर आ जाता है तो
तो उसमें आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है, बड़ा ठहरना पड़ता है, ठहर के सुर पे तो आपको चलना पड़ता है, अदरवाइज जरा सा भी ग्लिच आ जाए वॉइस में तो वो हाँ, वैसे एक बहुत कम वोकलिस्ट होते हैं जिनका गला आपकी तरह है, उनका उनकी वॉइस अच्छा आपकी तरह होता है, तो उनके लिए हाँ उनके लिए एक एडवाइस के तौर पर मैंने पूछा था कि आप जाके उनको बताएं कि माशाल्लाह सारे ही बहुत अच्छे हैं यार, सभी पढ़ने वाले, हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है, हर किसी की वॉइस में एक मौला ने जो है वो एक खास किस्म की स्पेशलिटी रखी है जो किसी दूसरे के पास नहीं है और उसका अपना इम्पैक्ट है। लेकिन जो अभी जूनियर्स हैं, हमसे जूनियर्स हैं, जैसे हमसे सीनियर्स ने हमें बताया, तो मैं जो कुछ सीखा वो उन तक कन्वे करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, कि बेसिकली कोई भी इल्म है ना, सबसे भी बड़ा कोई इल्म नहीं है, जिस तरह साइंस एक ब्रांच है इल्म की, और जिस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसी तरह सुर भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ा इल्म है। तो आप 10 दिन में अगर आप समझें कि आप जो है वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, बड़ा ग्रेजुअल सा प्रोसेस है ये, और आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ से जो जो कुछ सीखने को मिले, जिस तरह हमने सीखा वैसे ही आपको सीखना चाहिए। और वोकल के अकॉर्डिंगली ये है कि रियाजत है, मैं खुद चूँकि इतनी रियाजत करता नहीं हूँ, बस ये है कि हमारा जो पढ़ने का सिलसिला होता है प्रोग्राम्स का, वही एक तरह की रियाजत हो जाती है। तो उसमें यह है कि सुबह के टाइम उठ के अगर आप यह है कि कुछ भी कलाम नोहा जो है उसको लो स्केल पे अगर आप उसकी प्रैक्टिस करें, तो लो स्केल की प्रैक्टिस से आपका हाई स्केल बेहतर होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं जूनियर्स को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लो स्केल पे आप प्रैक्टिस करेंगे, यानी अगर आप नीचे अच्छा कह पाएंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपका कला जो है उसकी रेंज बढ़ेगी। क्या बात, कलाम का रहा वो बहुत अच्छा रहा जो मेरे जहन में था, और उससे बहुत अच्छा बड़ा, बहुत अच्छा बड़ा, और ऑल ओवर जो है ना वो कोरस के बाद जो है ना वो और बहुत ज्यादा जानदार हो गया। फिर मिशन भी क्या कहने, मिशन ने बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड भी किया, मातम के हवाले से भी जो एक इसकी ट्यून है और वो जो इसका फ्लो है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। हाँ, असल में जो मातमी हल्के को भी अगर आपके सुनने वाले हैं आपको वो सुन रहे हैं, लेकिन ये चीज़ मातम के हल्के में भी अगर वैसी ना नजर आए तो फिर फायदा नहीं है किसी भी कम्पोजिशन का। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोगों ने उसको जो पढ़ने का अंदाज है वैसा रखा है कि हल्के में भी ये बिल्कुल इसी तरह से ओरिजिनल जैसा रिकॉर्ड हुआ है वैसा ही ओरिजिनल ट्राई किया है बस आपकी गाइडेंस। और मिशन ने बहुत अच्छा किया, मिशन ने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग की। अच्छा मौसम भाई, आपने भी जितने रिकॉर्ड किए आपने सब में बड़ा इजीली ऑक्टेव बोल दिया, हालांकि आपके जितने भी नोहे रिकॉर्ड हुए उन सबके स्किल्स बहुत ऊपर थे और आपने बहुत आराम से ऑक्टेव बोल दिए, इसकी क्या मतलब इसका राज है? अच्छा, ये इसमें कोई राज तो नहीं है, रिकॉर्ड की फिट कह लें आप कि शुरू से ही ना बचपन से ही हाई ऑक्टेव मतलब शौक था हाई ऑक्टेव लगाने का, तो वो प्रैक्टिस आई थिंक प्रैक्टिस होती रही, लगाते रहे ऊपर हाई नोट पे पढ़ता रहा ज़्यादा मोस्टली, तो उस वजह से यकीनन मेरा हाई ऑक्टेव अच्छा है। तो बाकी बस कोशिश करते हैं और इसमें कोई इतना यानी मुश्किल कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हाई ऑक्टेव आपका अच्छा हो जाएगा। क्या बात है, तेरा मातम जिंदगी है या दोबारा लेंगे, तेरी मजलिस तेरा मातम जिंदगी है या हुसैन। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा गौर करो, हाय हुसैन, एक तो बिल्कुल सॉफ्ट है, हाय हुसैन, ठीक है, एंड पे थोड़ा सा उसको देना है। लगेगा